Hello students, welcome to CR International School online classes. हाँ बेटा, आप सभी के टेस्ट बहुत ही अच्छे हुए होंगे क्योंकि आप सभी बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं. अब बेटा हम अब अपने आगे सिलेबस पर चलते हैं. आज हम पढ़ेंगे अपने रीडर में चैप्टर नंबर 9 द गोल्डन टच. देखो चैप्टर 7 तक हो चुका था पहले ऑलरेडी रीडर में. चैप्टर नंबर 8 हमने अभी स्किप कर दिया है. ठीक है, सो बेटा आते हैं चैप्टर नंबर 9 द गोल्डन टच. इसका मतलब होता है एक सुनहरा स्पर्श. ठीक है, गोल्डन का मतलब होता है बेटा सुनहरा, टच का मतलब होता है स्पर्श. ठीक है, एक सुनहरा स्पर्श. देखो बहुत ही फेमस स्टोरी है और बहुत ही इजी वे में भी है, बहुत ही इजी वे में लिखी हुई है ये स्टोरी जो है. ठीक है बेटा, आते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर. ओपन द बुक्स एंड टेक योर पेंसिल्स एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स विच आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इन टू हिंदी. ठीक है, जो भी वर्ड्स जिनका हिंदी ट्रांसलेशन में बोलती जाती हो बेटा उनको विद पेंसिल अपने बुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको फिर पूरे चैप्टर की रीडिंग करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए. ओके, यस बेटा, गोल्डन टच, एक सुनहरा स्पर्श. एक स्टोरी है ये, किसकी है, किंग बिदास की, जो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था पर अपनी बेटी से ज्यादा वो अपने गोल्ड से प्यार करता था. गोल्ड यानी कि सोना. ठीक है, उसे बहुत ज्यादा लालच था, वो बहुत ही ग्रीडी था. उसे ये लालच था कि मेरे पास बहुत ज्यादा सोना हो, संसार का सबसे ज्यादा सोना मेरे पास होना चाहिए, ये उसके मन में लालच था. और इस लेसन से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. ठीक है बेटा, लालच का हमेशा बुरा ही परिणाम होता है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड मिदास. ठीक है, नाम पता चल गया ना, राजा का नाम क्या है इसमें, मिदास. लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है, देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड मिदास. मिदास नाम का एक राजा रहता था, हु वाज वेरी वेरी रिच, जो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ही ज्यादा धनवान था. ही हैड मोर गोल्ड देन एनी अदर किंग इन द वर्ल्ड. देखो कितनी अजीब बात है, उसके पास थी ये सारी चीजें फिर भी उसके मन में लालच था. कि क्या बोल रहा है इस लाइन में, ही हैड मोर गोल्ड देन एनी अदर किंग. संसार के और भी जितने जो राजा थे उनकी बजाय सबसे ज्यादा सोना उसके पास था. ठीक है, उस राजा के पास संसार के और जितने भी राजा थे उन सभी से सबसे ज्यादा सोना उसके पास था. एंड ही लव्ड ऑल ऑफ इट, और वो अपने पूरे सोने से बहुत ज्यादा प्यार करता था. यानी कि जितना उसके पास सोना था, धन दौलत थी, उससे वो बहुत ही प्रेम करता था. वन रूम ऑफ हिज कैस्टल वॉज फिल्ड विद गोल्ड पीसेस. शाही महल, यानी कि उसका जो बहुत बड़ा जो महल था वो फिल्ड विद गोल्ड पीसेस. उस पूरे महल में उसका जो एक कमरा था, एक कमरा पूरे सोने के टुकड़ों से भरा हुआ था. यानी कि जो सोने के सिक्के होते हैं, सोने के बिस्किट्स होते हैं, उनसे वो पूरा कमरा सोने से भरा हुआ था. बट द ग्रीडी मैन, परंतु वो लालची आदमी, दैट ही वॉज, जो कि वो था, यानी कि वो जो लालची इंसान था, he always wanted more, वो और भी ज्यादा चाहता था. वो यूं सोचता था एक और, यानी कि समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, कि अगर एक रूम मेरा फुल सोने से भरा है तो काश एक रूम और भर जाए, फिर दूसरा भी भर जाता है तो काश एक और भर जाए. यानी कि उसकी जो उम्मीद होती थी ना कि और हो, वो कभी खत्म नहीं होती थी. इसी को बोलते हैं लालच. ठीक है, ये ही ग्रीड होता है. ओके बेटा, he lived alone in the big castle with his rosy-cheeked pretty little daughter. वो उस पूरे महल में अकेला रहता था और साथ में उसकी बहुत ही सुंदर दिखने वाली, जिसके गाल कैसे थे, गुलाब की तरह बहुत ही सुंदर
और मुलायम, ठीक है। रोजी चिक्ड का मतलब होता है गुलाब के जैसे गालों वाली बहुत ही सुंदर छोटी सी उसकी बेटी रहती थी, मैरी गोल्ड। उसका नाम क्या था? मैरी गोल्ड, ठीक है बेटा। मिदास की बेटी का नाम क्या था? मैरी गोल्ड। दो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर, वेरी फॉन्ड ऑफ हर का मतलब वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम काउंटिंग हिज गोल्ड, यानी कि जितना वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करता था, जितना समय वो अपने सोने को गिनने में लगाता था, ठीक है। यानी कि सोना पहले बेटी बाद, समझिए कंपैरिजन कर रही हूँ। उसकी बेटी की बजाय, उसकी बेटी इसको पसंद करने की बजाय वो अपने सोने को गिनना बहुत पसंद करता था। वो अपने सोने की गिनती रखता था कि मेरे पास इतना सोना है, ठीक है। और फिर क्या सोचता कि काश और हो जाए। यस बेटा, नाउ नेक्स्ट पेज। वन डे व्हाइल ही वाज बिजी डे ड्रीमिंग अबाउट मोर गोल्ड, ठीक है, वाज बिजी, एक दिन जब वह बहुत व्यस्त था, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने ले रहा था अबाउट मोर गोल्ड, यानी कि एक दिन वो बहुत ज्यादा व्यस्त था, किसमें? दिन में सपने लेने में, ठीक है। दिन में वो बैठा बैठा और भी ज्यादा सोने के सपने ले रहा था कि मेरे पास और भी ज्यादा सोना आ जाए, और भी ज्यादा सोना आ जाए, इस चीज में वो बहुत ही व्यस्त था। ए स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एक अजीब चीज हुई उसके साथ, एक अजीब घटना घटी उसके साथ। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। ए ब्राइट लाइट शोन इन हिज रूम, अचानक से एक तेज रोशनी, अचानक से एक तेज रोशनी उसके कमरे में आकर चमकती है। एंड ही सो अ फेरी अपीयर बिफोर हिम, और फिर अचानक से उसने देखा कि उसके सामने एक परी प्रकट हो गई, ठीक है। फेरी आप जानते हैं, परी, अपीयर यानी कि प्रकट होना। हर ड्रेस वाज मेड ऑफ फाइनेस्ट गोल्ड, और उसको जो ड्रेस थी, उसके जो कपड़े थे, उस परी के जो कपड़े थे, वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो चमकदार सोना होता है, बहुत ही जो अच्छा सोना है, उसके बने हुए थे उसके कपड़े। एंड शी कैरीड अ गोल्डन वांड, और उसके हाथ में एक सुनहरी छड़ी भी थी, ठीक है। वांड का मतलब होता है छड़ी, जो परियों के पास होती है ना, जादू की छड़ी, वो एक सुनहरी छड़ी भी थी उसके हाथ में। शी हैड अ डेंटी गोल्डन बैग इन हर हैंड व्हिच हैड सम फाइन गोल्ड डस्ट, और साथ में उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का थैला भी था, ठीक है, एक बैग भी था। इन हर हैंड व्हिच हैड सम फाइन गोल्ड डस्ट, जिसके अंदर थोड़ी सी सुनहरे रंग की डस्ट यानी कि धूल भरी हुई थी। शी शॉट द किंग विद सम ऑफ द गोल्ड डस्ट एंड बोर्ड बिफोर हिम, और फिर उसने क्या किया, उस थैले में से थोड़ी सी धूल निकाली, सुनहरी जो धूल थी वो उसके ऊपर, राजा के ऊपर छिड़क दी। एंड बोर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने झुक गई, किसके सामने? राजा के सामने। यानी कि वो क्या कर रही थी, वो उसकी जो विश थी, उस राजा की जो विश थी वो उसको पूरा कर रही थी, ठीक है। क्या किया उसने, जैसे फिल्मों में होता है तपस्वी नहीं कर लेते हैं, वो पानी के छींटे लगा देते हैं, इसी तरीके से उस परी ने क्या किया, उस थैले में से जो सुनहरी जो धूल थी थोड़ी सी, उसको उठाकर उस राजा के ऊपर डाल दिया, ठीक है, और फिर उसके सामने वो झुक जाती है। ओके बेटा,